तो भैया जी आप सामने ये मेरे आलू के पौधे देख ही रहे होंगे गए ये मैंने एक थैली में लगा रखे हैं तो ये आलू के पौध जो मैंने लगाए थे जो आलू जो गाड़ी इस थैलियों में उसका टाइम भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मैंने लगभग करीब में सितंबर के महीने में तो ये गाड़े थे इस पॉलीथीन में क्योंकि लास्ट बारिश के बाद में ये मैंने गाड़ दिए थे अब जो है नवंबर का महीना चल रहा है इस समय जो बिल्कुल आलू आराम से इसमें पड़ चुके अब नया आलू जो बाज़ारों में भी आ रहा है और हम भी आप लोगों के सामने खोद के दिखाएंगे तो आप लोग अगर चाहो तो इस तरह से अगर मैंने जो अगर पोलीथीन में ये आलू लगा रखे हैं तो आप कहीं किचन या गार्डन में अगर इस तरह के अगर आलू अगर आप लगाओगे तो आराम से घर बैठे ही नए आलू वहीं बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके इसमें ढेर सारे आलू आराम से निकलते हैं कि ऐसा नहीं है आलू नहीं निकले और ये बिल्कुल मेरा दावा है कि हंड्रेड परसेंट आलू निकलेगा इसमें से और ये बिल्कुल पक चुका अच्छी तरह से क्योंकि जब ये पक जाता है तो इसका लाख जो है नीचे को गिर जाता है ये आप पूरा तजर्बा करके देख लीजिए अगर आलू का अगर टैम खोदने का आता है तो ऐसा मान के चलिए अगर आलू अगर आपका अगर इसमें पड़ गया होगा तो ये लाख जो होता है ये आलू वाला ये नीचे को इस तरह से गिर जाता है और जब तक आलू अगर नहीं पड़ता है जब तक ये लाख इस तरह से ठाड़ा रहता है तो भैया इस तरह की आप विशेषता ध्यान रखनी है और मैं आप लोगों के सामने ये आप ये पाल काट रहा हूँ और पाल काटने के बाद में आपको आलू दिखाऊंगा इसमें से खोद के कि कितने सारे इसमें आलू पड़े हैं तो भैया है, मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ तो भैया देखो मैं पहले तो इसे लाख को उखेड़ूँगा उखेड़ने के बाद मैं थैली में से जम निकालूंगा क्योंकि इसके अंदर नीचे आलू पड़ता है तो ये मैंने ये है लाख इस तरह से मैं उखेड़ रहा हूँ <laughs> ओहो भाई बहुत अच्छा मामला पड़ा है भाई इसके अंदर तो आलू देखो खूब ढेर सारे आलू पड़े हैं इसके अंदर अब मैं ये सारा बाद में बीनूँगा इसके नीचे से पहले ये उखेड़ रहा हूँ शिघरा तो भैया देखो इस तरह से मैंने ये सारे उखेड़ लिए और ये छोटे छोटे तो अभी आ चुके हैं जिसपे ये चिपटे रह गए हैं देखो मैंने इस तरह से ये उखेड़ लिए अब ये इसमें से भी उखेड़ रहा हूँ इस पर भी खूब सारे आलू निकल ही रहे हैं छोटे चोट छोटे तो पौधों पे भी आ गए हैं और बाकी इसके नीचे तो अभी ये सब टूट गए तने उसके बाद में आपको मैं खोद के दिखाऊंगा इस पन्नियों में से क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जो काम करते रहते हैं भैया वो आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखाते हैं कि जिस तरह से हम काम करते हैं तो आप भी देख रहे होंगे सामने ये जो सब आलू आलू है और ये ब्रांचेज जो है अभी छोटी है और इसके अंदर से जो टूट गए हैं ये मोटे मोटे वो आलू अभी मैं अंदर से खोद के दिखाऊंगा तब आप देखना है किस तरह के निकलेंगे जो तो मैंने उखेड़े हैं इस वजह से इतने सारे निकल आए हैं तो भैया इस तरह से मैं जो है आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहोगे तो इस तरह से घर बैठे ही नए आलू आराम से अपने घर पे तैयार कर लोगे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी भैया मैं देखो आप लोगों के सामने ये लाख तो मैंने उखेड़ दिया अब इसकी हल्की हल्की खुदाई करके इसे पलटूंगा पन्नी को क्योंकि इसके अंदर जो है आलू वो है नीचे जो दबा हुआ है वो सब निकालना है मुझे काफ़ी सारी देखो थोड़ी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है कोई भी काम करते हैं हम लोग तो इसे पलटी दे रही हूँ भैया तो इस तरह से ये देखो मैंने इस तरह से ये पन्नी पलट दी है अब मैं इसमें ये पलट दिया अब इसमें से देखूंगा कितने आलू ढेर सारे निकलते हैं कितने निकलते हैं भैया आलू तो काफ़ी निकल रहा है भैया तो मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ भैया इस तरह से जो है हमारे आलू जो है निकलते रहते हैं तो भैया जब पन्नी में जो मैंने लगाए थे वो इतने आलू निकले हैं तो भैया जितने आलू तो अभी नीचे निकल आए अब सब पन्नी को मैं पलट कर देख रहा हूँ कितने और निकले हैं इसके अंदर से अभी तो भाई काफी सारे निकल रहे हैं पूरी पलट दू लो भाई इतने तो तुम्हारे जो हो गया खाली अब भैया ये वाले मैं अभी भीन इसमें से जो भी निकलेंगे तो भैया इस तरह से अगर आप चाहोगे तो घर बैठे ही नया आलू आराम से ले लोगे जैसे मैंने इस तरह से जो यहाँ पर निकाले हैं तो काफ़ी आलू निकला है इसके अंदर से अब ना भैया भाई जे है तो भैया एक पन्नी में करीब में लगभग मेरे इतने सारे आलू निकल आए आप सामने देख ही रहे होगे अब इसे और पलट रहा हूँ भैया आप सामने जो देख रहे होंगे अभी आपके सामने मैंने ये दो पन्नियों में से आलू निकाले हैं सिर्फ दो आलू लगाए थे इसमें मैंने पन्नियों में एक एक में एक एक आलू लगाया था अब एक एक आलू से समझ लो ऐसा मान के चलिए दो पन्नियों में दो किलो आलू निकले होंगे दो सौ ऊपर ही होंगे ज़्यादा नहीं कम नहीं होंगे ऊपर तो होंगे ये आलू तो आप अगर चाहोगे तो इस तरह से अपने घर पे जैसे मैंने आपको बताया है कि उस महीने में लगाने के बाद में और इस महीने में अगर नया आलू अगर खाना चाहोगे तो इस तरह से आराम से निकल आता है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बस आपको एक ही देखना है कि बस ज़्यादातर उस समय हम लगाते ना उस समय ना बारिश का थोड़ा भाव बो रहता भाव और उस समय की अगर बारिश नहीं भरी तो ये आलू बिल्कुल हंड्रेड परसेंट बढ़िया हो जाता है क्योंकि इस समय हमने उस समय लगाया था तो उस समय बारिश नहीं हुई थी और ये थैली हमने रख दी और इसे धूप में ही चाहिए और हल्का हल्का पानी पड़ता है इसके अंदर से इतना ध्यान रखना है कि पानी बहुत हल्का डालना है और जितनी आप फूकी मिट्टी में डालोगे इसे जैसे हमने मिट्टी बताई है आपको जैसे ये ज़्यादा जो आलू जो होता है वो रेत वाली मिट्टी को ज़्यादा पकड़ता है जितनी रेत वाली मिट्टी डाल दोगे और उतना ही आप देसी खाद डाल दो उसमें घूर कर गला हुआ कोई सा भी हो मगर हो प्योर गला हुआ जब आप थैली भरना है रेत वाली मिट्टी में और फिर वो आलू लगाना है फिर देखना आपके इसमें आलू बिल्कुल भी पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर ये डाल कर ये दिखाया है आप लोगों को तो ऐसा नहीं है ये यहाँ पर नहीं पड़े तो भैया देखो मैं एक लगाने का आप लोगों को एक आलू का एक तरीका बता रहा हूँ अगर आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर आलू अगर लगाते हो तो ये टाइम मैंने आपको बता दिया है कि ये आलू जो है इस समय तो मैंने आपको खोद के दिखा दिया कि इससे सारे आलू निकले और जो इस समय अगर जो मैं आलू लगाऊंगा तो ऐसा मान के चलिए आपके इससे भी ज़्यादा निकलेंगे क्योंकि वो समय आ जाएगा होली पर खुदने का टाइम क्योंकि अब जो है नवम्बर चल जाए नवंबर से दिसंबर तक और जनवरी तक आलू आराम से ही लगा सकते हैं हम लोग और उस समय का जो आलू होता है बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरा और अच्छा ही निकलेगा ऐसा नहीं है कि नहीं निकले क्योंकि जो हमने अभी खोदे हैं वो बहुत मुश्किल से तैयार हो पाते हैं क्योंकि उस समय गर्मी बहुत तेज़ होती है तो भैया मैं आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसा आपने ये आलू देख रहे हो मेरे हाथ में ये ऐसा होता है कि पुराना कोई आलू ले लो अच्छा बड़ा सा कोई भी तो आप लोगों को इस तरीका का ध्यान रखना है कि जैसे उसके अंदर एक या दो या चार आँख होनी चाहिए जैसे इस तरह से ये किल्ली दे रही है आप सामने देख रहे होंगे तो हमने जो है उसमें से बीच में से एक आलू में से दो फीस बना लिए थे क्या हम लोग जो है ऐसे हमारे पास में राख होती है चूल्हे वाली तो इसको कतरे को हम जो है इससे राख में डुमा देते हैं हल्का हल्का इसको राख को इस तरह से डुमा के और एक फर्श वाली जगह पर रख देती हैं दो तीन दिन के लिए जहाँ पर नमी होनी चाहिए और ठंडक में रख देती हैं तो ये तीन चार दिन में बिल्कुल आँख फूट कर तैयार हो जाती है आलू पे जो आप सामने देख रहे हो तो इस तरह की जो जैसे ही आँख फूट कर आ जाए तो ये ऐसा मान के चलिए बिल्कुल गाड़ने लाख हो गई दो तीन दिन में ही हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है किसी बर्तन में कहीं पर रख दो और राख में ला थोड़ी सी और जो आराम से किल्ली दे जाता है तो फिर ये लगाने लायक हो जाएगी और फिर चाहे आप पन्नी में लगा दो चाहे कट्टे में लगा दो तो मैं आपको लिए कट्टे में दो पीस लगा के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से मैं लगाता हूँ भैया तो देखो मेरा एक लगाने का ऐसा होता है कि जैसा अभी आप लगाओ तो एक बिलान के बीच के दूरी से लगाना है जैसे मैंने स्क्रबट लगा दिए एक कतरा तो इसे करीब में लगभग करीब में तीन इंची या चार इंची गहरा गार ना आलू जितना तीन इंच या चार इंच गहरा गाड़ोगे उतनी ही नीचे को फूकी ज़मीन होगी उतना ही आलू बढ़िया बना लेगा मगर क्योंकि जितना ये अच्छा गहरा गाड़ जाता नहीं है तो उसी तरीक़ा से नीचे को आलू ज़्यादा पड़ता है तो मैंने भैया देखो ये कतरा ये गाड़ दिया है अब जे और एक यहाँ पर गाड़ूंगा मैं तो ये आलू गाड़ने का हमारा जो तरीका होगा वो इस तरह का होगा तो ये तो मैंने भैया आप लोगों को बता दिया है कि जैसा आप लोग अगर गाड़ो तो मिट्टी जो होनी चाहिए वो अगर कट्टे में या किसी पन्नी में भरोगे तो रेते वाली मिट्टी होनी चाहिए अगर रेते वाली मिट्टी है नहीं तो वो फोकी होती है और जब आलू जब पड़ता नहीं है तो फोकी मिट्टी में बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया पड़ता है और बिल्कुल सफ़ेद कलर का निकलता है और बढ़िया निकलता है जैसा आप बाड़ोगे तो आलू बोने का और कर करने का तरीका भैया मेरा तो यही है और हम लोग करते रहते हैं वैसे तो हम खेती बाड़ी में ही करते हैं आलू और आप लोगों को इस मारे बता रहे हैं कि जैसा आपका कोई गार्डन वगैरह होता है गमले भी पड़े हैं कट्टे भी बहते पड़े हैं और आलू तो सबके घर पर आते ही हैं तो आप चाहोगे तो इस तरह से अगर घर बैठे ही अगर मान लो ज़्यादा नहीं तो ऐसा तो होता है कि कुछ अच्छा तो लगता ही है सो लगती है घर में कि आलू भी हो रहा है धनिया भी हो रहा है पालक भी हो रहा है मेथी भी हो रही है तो ये छोटी छोटी जगह में ऐसी धीरे धीरे करके अगर आप लोग करने चाहोगे तो ऐसा नहीं है आपके घर पर हरियाली नहीं बने और खाने को भी बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी क्योंकि अपने घर की चीज़ होती है तो वो चाहे थोड़ी सी हो मगर उसमें स्वादिष्ट और अच्छी लगती है तो भैया अगर हमारी वीडियो की अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना